Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. Hello students, शायद Vue.js का chapter 16 आपने नहीं देखा है. Chapter 16 में आपको unlimited colors को generate करके दिखाया गया था. काफी beneficial है आपके लिए. आप Vue.js के playlist में जाओगे तो आपको chapter 16 मिल जाएगा. चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए. Vue.js में कंडीशन को पास करने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है. आप जावास्क्रिप्ट के कंडीशन के माध्यम से जो बड़े बड़े कामों को बहुत सारे कोड्स राइट करके आप करते थे, वही काम कंडीशंस के माध्यम से आप Vue.js में छोटे छोटे कोड को राइट करके कर पाओगे. जैसे कॉमन सा एग्जाम्पल देख लीजिए, इमेज शो और हाइड करना यानी कि टॉगल की फंक्शनैलिटी. अगर आपको Vue.js में बनाना है तो बहुत इजी वे में आप बना सकते हो. उसके लिए आपको Vue.js के कंडीशंस को पढ़ना होगा. देखिए Vue.js के कंडीशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. एक वेब पेज एलिमेंट क्रिएटेड है यहाँ पे, और देखिए गौर से व्यू के शब्दों में हमने वेब पेज को यहाँ पे सेलेक्ट किया ताकि व्यू में जो भी काम करे उसका इस्तेमाल हम यहाँ कर सके. वेब पेज वाले एलिमेंट के अंदर जरा देखिए, मैं एक फ़ोटो को इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे. फ़ोटो a.jpg के नाम से है, जहाँ पे ये फाइल मौजूद है वहाँ पे. देखिए रन करने पे फ़ोटो ऐसा दिखा. ठीक है, Vue.js के शब्दों में कंडीशन पास करने के लिए, ये तो आप जानते हो, इफ एल्स के शब्दों में कंडीशन पास करते हैं. सपोज़ कीजिए अगर आपको इफ़ कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल करना है, इस img एलिमेंट को, तो आप इसी एलिमेंट में वी इफ़ डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो. याद रखिए वी इफ़ डायरेक्टिव का वैल्यू अगर ट्रू होगा तो अपने आप ये इमेज आपको दिखेगा, लेकिन वी इफ़ डायरेक्टिव का अगर वैल्यू फॉल्स होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं दिखेगा. अब यहाँ स्ट्रिंग के शब्दों में हम ट्रू और फॉल्स पास नहीं कर सकते, यहाँ पे व्यू का कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए. तो देखिए गौर से, क्रिएट ऐप के अंदर मैं डेटा के माध्यम से व्यू के किसी प्रॉपर्टी को यहाँ से ऐसे रिटर्न करता हूँ. जैसे मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट कर लिया यहाँ पे इमेज के नाम से. अब इसमें मैं असाइन कर देता हूँ ट्रू को, और गौर से देखिए यहाँ पे मैं इमेज प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लूँगा. तो देखिए इमेज में क्या असाइंड है, ट्रू. इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, ट्रू. तो अगर वी इफ डायरेक्टिव में ट्रू आएगा तो रन करने पे अपने आप ये इमेज पहले जैसा दिखेगा. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ हम फॉल्स कर दें तो वी इफ डायरेक्टिव में अब क्या आएगा, फॉल्स, जिसकी वजह से ये जो इमेज होगा वो नहीं दिखेगा. देखिए नहीं दिखा. तो ये जो कंडीशन लॉजिक है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है. आप इसका फ़ायदा कैसे उठा पाओगे जरा गौर से देखिए. मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया, बटन में मैं राइट कर देता हूँ शो. इस बटन के बाद दो ब्रेक दे दीजिए ताकि आपका इमेज लाइन ब्रेक करके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए. देखिए कुछ ऐसा दिखा. पहले से फ़ोटो को आप हाइड रखो, तो पहले से फ़ोटो को हाइड रखने के लिए आप यहाँ फॉल्स डिफाइन करोगे तो वीव का वैल्यू इमेज में क्या जाएगा, फॉल्स, जिसकी वजह से ये जो इमेज है वो हिडन होगा. शो पे क्लिक करने के बाद इमेज दिखना चाहिए. कैसे होगा, देखिए डेटा को कॉमा से सेपरेट कर देंगे और फंक्शंस क्रिएट करेंगे. तो फंक्शंस क्रिएट करने के लिए मेथड्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, और जो नाम रखना चाहते हैं फंक्शन का वो डिफाइन कीजिए. जैसे मैंने कंट्रोल के नाम से फंक्शन प्रिपेयर किया. अगर इमेज का वैल्यू हम फॉल्स से ट्रू कर दे तो अपने आप फोटो दिखेगा. तो यहाँ देखिए मैं दिस इमेज के माध्यम से इमेज को एक्सेस करता हूँ और इसमें ट्रू असाइन करता हूँ. ये फंक्शन तब कॉल करेंगे जब बटन पे क्लिक होगा. तो ये रहा बटन. आप इसमें वी ऑन डायरेक्टिव का ऐसे इस्तेमाल करो. इसमें क्लिक इवेंट को ऐसे पास करेंगे और कंट्रोल वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे. तो जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे इमेज का जो वैल्यू होगा वो फॉल्स से कन्वर्ट होकर ट्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से इमेज आपको दिख जाएगा. मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए इमेज दिखा. फिर क्लिक करने के बाद इमेज हाइड होना चाहिए. ये कैसे होगा, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे एक बार क्लिक करने पे इसमें ट्रू जाए, फिर वापस क्लिक करने पे इसमें फॉल्स जाए. कैसे होगा शो देखिए, यहाँ पे आप इस तरह से नॉट ऑपरेटर का सिंबल दोगे इक्वल के बाद, और दिस इमेज को पास कर दोगे. जरा समझिए ये क्या करेगा, दिस इमेज में जो भी वैल्यू होगा उसका उल्टा प्रोड्यूस करके ये इसमें सेट कर देगा. जैसे बटन पे आपने क्लिक किया तो जब ये फंक्शन कॉल होगा
इसमें जो भी होगा, जैसे फर्स्ट टाइम इसमें क्या है फॉल्स, तो फॉल्स का उल्टा क्या होगा ट्रू, तो इसमें जाएगा ट्रू, जिसकी वजह से इमेज दिख जाएगा। ओके, फिर सेकेंड टाइम जब आप क्लिक करोगे तो इस बार तो दिस इमेज में होगा ट्रू, तो फिर ट्रू का उल्टा क्या होगा फॉल्स, यानी कि जो इसमें होगा उसका उल्टा बार बार जाएगा क्लिक करने के बाद इसमें, जिसकी वजह से एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स इसमें आता जाएगा और एक बार आपका इमेज दिखेगा और एक बार इमेज आपका हाइड हो जाएगा। क्लिक कीजिए, देखिए आया, फिर क्लिक कीजिए, हाइड हो गया, परफेक्ट। अब इस बटन को कंट्रोल कीजिए, जैसे अगर इमेज नहीं होगा तो यहाँ पे शो का बटन दिखना चाहिए, डिफ़ॉल्ट रूप से दिखा, लेकिन इमेज होगा तो यहाँ पे हाइड का बटन दिखना चाहिए। सेम बटन को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, एक बटन में राइट कर दीजिए हाइड और एक बटन में राइट कर दीजिए शो। अभी तो दोनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यही फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल, लेकिन अभी हमें डिफाइन करना है कि अगर इमेज में फॉल्स होगा तो शो दिखेगा, अगर इमेज में ट्रू होगा तो हाइड दिखेगा। तो ट्रू होने पे हाइड को दिखाना है, इसीलिए वी हाइफन इफ का इस्तेमाल कीजिए और इसमें इमेज को इस्तेमाल कर लीजिए, यानी कि इमेज प्रॉपर्टी को। तो ध्यान दीजिए, इफ में हम जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे वो तभी काम करेगा जब इसमें ट्रू आएगा, ओके, लेकिन इस प्रॉपर्टी में अगर फॉल्स आएगा तो उसके लिए आप वी एल्स का इस्तेमाल करो। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ डिफाइन कीजिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर इमेज प्रॉपर्टी में फॉल्स होगा तो वी एल्स वाला एलिमेंट आपका दिखेगा, ठीक है, अगर इमेज में ट्रू होगा तो वी इफ वाला एलिमेंट दिखेगा। ओके, देखिए पहले से शो दिखा क्योंकि इमेज में फॉल्स है, आप इस पर क्लिक करो, अभी इमेज में ट्रू गया जिसकी वजह से हाइड आ गया यहाँ पे, फिर क्लिक कीजिए, फिर क्लिक कीजिए, देखिए परफेक्ट रूप से आपका बटन भी कंट्रोल होगा और इमेज भी कंट्रोल होगा। तो व्यू जेएस बहुत हल्का है, लेकिन लॉजिकली आपको एक एक कोड समझना होगा। अगर आप समझ जाओगे तो छोटे छोटे कोड्स के माध्यम से आप बड़े बड़े कामों को ईजिली कर पाओगे। तो ध्यान दीजिए, अगर एलिमेंट में कंडीशन पास करना है तो यहाँ वी इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रोग्रामेटिकली अगर यहाँ कंडीशन पास करना होता तो वही ओल्ड लॉजिक जावास्क्रिप्ट वाला ऐसे इस्तेमाल करते, इफ और एल्स। ओके, तो यहाँ व्यू के अंदर आप दोनों कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हो। और अत्यधिक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग पढ़ना चाहते हैं, वेबसाइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं, तो वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूशन आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप छोटे से लेकर बड़े डेवलपर्स बनने तक की सारी जानकारी को प्राप्त करोगे। इनफैक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी बिग टेक्नोलॉजी इस कोर्स के अंतर्गत अवेलेबल है। बेहतर जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कीजिए या हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, और हाँ चैप्टर 16 को ज़रूर पढ़िए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।